वेलकम टू श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. माई सेल्फ रीना जारवाल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी TTL डिजिटल लॉजिक फैमिली की, जिसमें हम लोगों ने उससे रिलेटेड सर्किट डायग्राम्स, उसमें किस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, कितने पैरामीटर्स हैं, टोटम पोल की कंडीशन पे किस तरीके से वर्क करता है, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी की थी. अभी हम बात करते हैं कि TTL लॉजिक गेट स्टेट्स एनालिसिस की. ठीक है, सो जनरली हमारे पास क्या होता है, जैसा फॉर एग्जांपल हमें यहाँ दिख रहा है कि हमें यहाँ पर सर्किट डायग्राम्स दिए हुए हैं. जनरली एक सर्किट डायग्राम लो आउटपुट ऑप्टेन कर रहा है एंड दूसरा कर रहा है हमारे पास हाई आउटपुट ऑप्टेन कर रहा है. ठीक है, लेकिन जब हमारे पास ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर लगे हुए हैं, जनरली देखिए यहाँ पर जो दो ट्रांजिस्टर हैं वो जनरली सीरीज़ वाइज कनेक्टेड है हमारे पास. सो जब ये ट्रांजिस्टर हमारे पास लगे हुए हैं, सीरीजली कनेक्टेड है हमारे पास, उस टाइम पर अगर ट्रांजिस्टर हमारे पास ऑन है तो ऑन होने पर वो एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा, लेकिन अगर वो ऑफ है तो वो एक ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि Q3 और Q4 ट्रांजिस्टर सीरीज़ वाइज कनेक्टेड है एंड वो सीरीज़ वाइज कनेक्टेड होने की वजह से वो टोटम पोल की कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो जनरली हमारे पास जब सर्किटरी डायग्राम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, दैट गिव्स द हाई आउटपुट, एंड जब हमारे पास सर्किटरी डायग्राम में ये रिप्रेजेंटेशन होगा, इट गिव्स लो आउटपुट. बस हमें याद जो रखना है स्टेट एनालिसिस के लिए, वो याद रखना है कि अगर हमारे पास ए और बी दोनों इनपुट ज़ीरो हो तो ट्रांजिस्टर वन क्या होगा, ऑन हो जाएगा. ट्रांजिस्टर टू क्या होगा, ऑफ हो जाएगा. ट्रांजिस्टर थ्री ऑन हो जाएगा एंड ट्रांजिस्टर फोर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा. यानी कि जनरली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन आएगी हाई आउटपुट. यानी कि जब हमारे पास ए और बी दोनों ज़ीरो हैं, फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑन होगा, सेकंड ऑफ होगा, थर्ड ऑन होगा एंड फोर्थ ऑफ होगा. और जब फोर्थ ऑफ होगा तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, वन, यानी कि हाई. अब मान के चलिए हमारे पास ए इनपुट तो ज़ीरो है एंड बी इनपुट वन है. जब हमारे पास ये कंडीशन आएगी तो उस टाइम पर भी हमारे पास Q1 ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, Q2 ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, Q3 ऑन करेगा एंड Q4 ऑफ रहेगा. जब भी Q4 ट्रांजिस्टर हमारे पास ऑफ कंडीशन में रहे और Q3 ऑन कंडीशन में रहे, ऑटोमेटिकली आप ये असाइन कर दीजिएगा कि आउटपुट हाई ही आएगा. नाउ नेक्स्ट, हमारे पास अगर एक इनपुट वन, दूसरा इनपुट ज़ीरो, ठीक है, तो हमारे पास वही Q1 ट्रांजिस्टर ऑन होगा, Q2 ऑफ होगा, Q3 ऑन होगा एंड Q4 ऑफ होगा और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हाई आउटपुट. यानी कि हमें अगर कंडीशन में बताऊं जो याद रखनी है तो वो ये रखनी है कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट भी अगर लो है तो आउटपुट हमेशा क्या जनरेट होगा, हाई होगा. लेकिन इफ़ हमारे पास दोनों के दोनों इनपुट हाई हैं तो हमारा जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है वो क्या होगा, ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से Q2 ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में आ जाएगा एंड Q3 ऑफ हो जाएगा एंड Q4 ऑन हो जाएगा. Q4 के ऑन होते ही आउटपुट कम्प्लीटली लो में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें क्या होगा, लो आउटपुट ऑप्टेंड होगा. सो हमें याद रखना है कि अगर दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट लो हो तो हमारे पास आउटपुट हाई आएगा, और इफ़ अगर दोनों इनपुट हमारे पास हाई हैं तो आउटपुट क्या आएगा, लो आएगा. जब आउटपुट हाई आ रहा है उस कंडीशन में Q4 ट्रांजिस्टर कम्प्लीटली ऑफ रहेगा एंड जब आउटपुट लो आएगा इसका मतलब Q4 ट्रांजिस्टर ऑन है. सो हमें जो याद रखना है वो रखना है कि अगर ट्रांजिस्टर ऑन है इसका मतलब वो क्लोज स्विच की तरह वर्क कर रहा है एंड अगर वो ऑफ है तो वो ओपन स्विच की तरह वर्क कर रहा है. सो दिस इज़ द स्टेट एनालिसिस ऑफ TTL लॉजिक फैमिली. अब बात करते हैं कि टोटम पोल आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के क्या क्या एडवांटेज थे. सो जनरली वो लो पावर कंज्यूम करती थी, फास्ट स्विचिंग प्रोवाइड करवाते हैं एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस प्रोवाइड करवाते हैं. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस अरेंजमेंट, दैट इज़ लो पावर कंजप्शन, फास्ट स्विचिंग
एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। आगे बात करते हैं TTL लॉजिक कास्केडिंग की। मीन्स जब हमारे पास जो TTL लॉजिक गेट्स हैं जनरली, उनको जब हम कास्केडिंग में कनेक्शन करेंगे तो उनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा, वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। सो यहाँ पर हमारे पास जनरली देखिए कि जो TTL लॉजिक्स हैं उनको कास्केड फॉर्म में कनेक्शन दिया हुआ है, यानी सीरीज़ कनेक्टेड किया गया है। तो वो सीरीज़ कनेक्शन आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है, जहाँ पर तीन, मतलब एक दो एंड तीन, तीन TTL लॉजिक गेट्स को कास्केडिंग फॉर्म में कनेक्ट किया गया है और आउटपुट को ऑब्टेन किया जा रहा है। सो दिस इज़ द सर्किटरी डायग्राम ऑफ TTL लॉजिक कास्केडिंग। जनरली TTL लॉजिक कास्केडिंग NAND गेट पे बेस्ड है। सो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम और दिया हुआ है जनरली, कि एक NAND गेट का आउटपुट दूसरे के लिए, फर्स्ट के लिए इनपुट की तरह वर्क करेगा, जैसा कि यहाँ नज़र भी आ रहा है। जो हाई आउटपुट है वो वन इसके लिए इनपुट की तरह वर्क कर रहा है, फिर जब इसका आउटपुट आएगा वो तीसरे के लिए इनपुट की तरह वर्क करेगा, यानी सीरीज़ में कनेक्टेड है एक के बाद एक। सो दिस इज़ द TTL लॉजिक कास्केडिंग। अब बात आती है अनयूज्ड इनपुट ऑफ TTL डिवाइस। ठीक है, जनरली द अनयूज्ड इनपुट्स ऑन TTL गेट्स बिहेव एज दो अ लॉजिक वन इज कनेक्टेड टू दैम। ओके, एंड दिस प्रेजेंट अ प्रॉब्लम विथ ओर और नॉर गेट। मीन्स जनरली विद एंड और नैंड गेट द लॉजिक वुड नॉट पोज अ प्रॉब्लम, बट फॉर बेटर नॉइज इम्यूनिटी द इनपुट शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लॉट। And it is advisable to connect unused high input to 5 volt through register that is 1 kilo ohm, जिसे pull off register भी कहा जाता है। And unused input should be connected as follows। मैं generally आपको basic सी बात बताती हूँ। For example, ठीक है, जैसे हम लोगों ने generally, अगर आपने notice किया हो तो हमने NAND gates के through ही TTL gates को बनाया है और उनके थ्रू ही ऑप्टेन किया है, क्योंकि जनरली जो और गेट और नॉर गेट्स हैं उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स अकर हो जाती हैं। सो उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करते हुए हमने नैंड गेट को प्रायोरिटी दी। बट अगर हमें हाई आउटपुट चाहिए, या फिर हम जनरली ये कह दें कि हमने कोई अनयूज्ड हाई इनपुट 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो जो कनेक्शन होगा थोड़ा रजिस्टर होगा 1 किलो ओम का, जो कि पुल अप रजिस्टर है। अब जनरली जो पुल अप रजिस्टर है उसको जनरली RL के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वो जो अनयूज्ड इनपुट्स होते हैं वो जनरली इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि इनमें दिखाई दिया है। सो दीज आर द अनयूज्ड इनपुट्स ऑन TTL डिवाइसेस। मींस जनरली आप ये कह सकते हो कि जो भी अनयूज्ड हाई इनपुट्स होते हैं उनको रजिस्टर्स के थ्रू TTL डिवाइसेस में कनेक्ट किया जाता है, और वो रजिस्टर्स होते हैं पुल अप रजिस्टर्स। अब बात आती है द डिस्ट्रक्शन इफेक्ट इफ टोटम पोल आउटपुट्स आर टाइड टुगेदर। ओके, सो इफ TTL गेट्स विद टोटम पोल आउटपुट हैव देयर आउटपुट टाइड टुगेदर द गेट मे बी डिस्ट्रॉयड, एंड दिस इज इलस्ट्रेशंस इन ब्लो डायग्राम वेयर लेफ्ट गेट हैज़ अ हाई आउटपुट एंड राइट गेट हैज़ अ लो आउटपुट। देखिए जनरली क्या होता है, अगर हम लोग टोटम पोल्स के आउटपुट को टाइट कर देते हैं, मीन्स दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो जनरली जो गेट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड यहाँ पर वही कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है द टोटम पोल आउटपुट टाइट टुगेदर कैन प्रोड्यूस हार्मफुल करंट थ्रू Q3A एंड Q4B। मीन्स जनरली हमारे पास जो Q3A है और Q4B है, जब भी हम दो टोटम पोल के आउटपुट्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, एक साथ टाइट करते हैं, तो Q3A और Q4B इन दोनों ट्रांजिस्टर के थ्रू एक करंट का फ्लो होता है, वो हार्मफुल करंट होती है, जो कि हमारे TTL गेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। सो दिस इज़ द सर्किटरी दैट इज़ रिप्रेजेंट द टोटम पोल आउटपुट्स कनेक्शंस।
सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी टोटम पोल्स के आउटपुट को टाइट किया जाता है एक साथ, तो उसकी वजह से उन ट्रांजिस्टर्स के अक्रॉस एक करंट का फ्लो होता है, दैट इज़ हार्मफुल करंट। वो करंट क्या करती है, हमारे जो भी लॉजिक गेट्स होते हैं जनरली उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब बात आती है हमारे मेन पॉइंट की, दैट इज़ ओपन कलेक्टर आउटपुट। अब ओपन कलेक्टर आउटपुट क्या होता है, जनरली हमारे पास जैसे ओपन कलेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो जो टोटम पोल के जो डायग्राम्स थे, टोटम पोल के डायग्राम में अगर आपने देखा हो, तो एक Q3 रजिस्टर लास्ट में ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, एक Q4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, ठीक है। जनरली जो भी हमारे पास उसके साथ एक रेजिस्टेंस कलेक्ट था, एक हमारे पास डायोड भी कनेक्टेड था, मतलब उसकी सर्किटरी में बहुत अच्छे से सारे कनेक्शंस शो हो रहे थे। लेकिन हमें क्या करना है, उस सर्किटरी का अपर हाफ रिमूव कर देना है। तो जैसे हम उसका अपर हाफ यानी कि Q3 ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन रिमूव करेंगे, वो जो सर्किट होगा वो ओपन कलेक्टर सर्किट रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो, वो Q3 वाला पोर्शन पूरा गायब है। सो वो रिमूव करने के बाद जो भी टोटम, आप वापस से याद रखिएगा, जो भी हमारे पास TTL टोटम पोल का डायग्राम है, सर्किटरी डायग्राम है, उसके अपर हाफ को यानी कि Q3 वाली कंडीशंस को जब हम रिड्यूस कर दें, रिमूव कर दें, तो हमारे पास जो Q4 होगा वो ओपन सर्किटरी की तरह बिहेव करेगा, एंड डेट्स वाई इट इज़ नॉन एज ओपन कलेक्टर। बट क्या होता है, ये जो ओपन कलेक्टर TTL होता है, जनरली ये आउटपुट को ईजिली ऑप्टेन करने में कैपेबल नहीं होता फॉर लॉजिक 1 और लॉजिक 0, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस पोर्शन में यानी कि यहाँ पर एक पुल अप रजिस्टर लगा देते हैं। उस पुल अप रजिस्टर्स को RL के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। वो पुल अप रजिस्टर क्या करता है, हमारा जो भी आउटपुट आता है उस आउटपुट को VCC के इक्विवेलेंट बना देता है। यानी कि आउटपुट जैसे 0 आ रहा है, तो हमारे पास वो VCC के इक्विवेलेंट बना के उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, इन दिस फिगर द सर्किट ऑफ अ टिपिकल TTL गेट विद ओपन कलेक्टर आउटपुट इज दैट, एंड हियर द सर्किट एलिमिनेट एसोसिएट विद Q3 इन द टोटम पोल सर्किट आर मिसिंग, यहाँ पर वो मिसिंग है, एंड द कलेक्टर ऑफ Q4 इज ओपन सर्किट, हैंस द नेम ऑफ ओपन कलेक्टर। मीन्स सिंपल सा ध्यान रखना है कि टोटम पोल TTL गेट में जो Q3 ट्रांजिस्टर है और उससे रिलेटेड जो भी रजिस्टर्स हैं, अगर उनको रिड्यूस कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए सर्किट में से, तो जो नया सर्किट बनता है डैट इज़ ओपन कलेक्टर आउटपुट सर्किट, ठीक है। बट जो ओपन कलेक्टर होता है वो आउटपुट को ईजिली ऑप्टेन करने में कैपेबल नहीं होता। सो इस वजह से हम वहाँ पर इस ऊपर वाले पोर्शन में क्या कनेक्ट करते हैं, एक रजिस्टर का कनेक्शन देते हैं, डैट इज़ पुल अप रजिस्टर, एंड उस पुल अप रजिस्टर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी आउटपुट ऑप्टेन हो रहा होता है उसको VCC के इक्विवेलेंट बना देते हैं। सो आगे बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया आपको कि जो ये ओपन कलेक्टर सर्किट होता है वो जनरली लॉजिक 0 और 1 के लिए हाई आउटपुट ऑप्टेन करने में कैपेबल नहीं होता, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो मिसिंग पोर्शन है उस जगह पर एक पुल अप रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है उसको वो VCC के इक्विवेलेंट बना देता है। जनरली जो ओपन कलेक्टर का आउटपुट होता है उसको इस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। आगे बात करते हैं एडवांटेज की। सो जनरली मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल एडवांटेज ऑफ ओपन कलेक्टर आउटपुट्स आर हियर, दैट इज फर्स्ट इज वायर्ड एंडिंग। मीन्स ओपन कलेक्टर आउटपुट्स कैन बी टाइड डायरेक्टली टुगेदर विच रिजल्ट इन द लॉजिकल एंडिंग ऑफ द आउटपुट, दस द इक्विवेलेंट ऑफ एन एंड गेट कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंपली कनेक्टिंग द आउटपुट। मीन्स जैसे टोटम पोल की कंडीशन में क्या हो रहा था, हम लोग जब दो TTL टोटम पोल लॉजिक सर्किट्स को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उसमें Q3
ए और क्यू फोर बी के बीच में एक हार्मफुल करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, जब भी हम इनको टाइट करते हैं एक साथ तो उस टाइम पे जो आउटपुट देता है वो लॉजिकल एंडिंग को परफॉर्म कर रहा होता है। सो दिस इज गिव्स द एडवांटेज ऑफ वायर्ड एंडिंग। आगे बात करते हैं, इंक्रीज द करंट लेवल। बिल्कुल, ओपन कलेक्टर आउटपुट इंक्रीज द करंट लेवल। सो दिस इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ ओपन कलेक्टर आउटपुट, बिकॉज इन स्टैंडर्ड टीटीएल गेट्स विद टोटम पोल आउटपुट कैन ओनली प्रोवाइड हाई करंट एंड अ लो करंट ऑफ 1.6 mA। मैनी ओपन कलेक्टर गेट्स हैव इंक्रीज्ड करंट रेटिंग, सो डेट्स वाई दिस इज द एडवांटेज ऑफ ओपन कलेक्टर आउटपुट। इट गिव्स द एडवांटेज ऑफ डिफरेंट वोल्टेज लेवल। सो दीज आर द ओपन कलेक्टर आउटपुट्स एडवांटेज, एंड द बिग डिसएडवांटेज ऑफ ओपन कलेक्टर गेट्स इज देयर स्लो स्विचिंग स्पीड। यानी कि ओपन कलेक्टर आउटपुट्स की जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये है कि वो स्लो स्विचिंग स्पीड प्रोवाइड करवाता है। दिस इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ पुल ऑफ रजिस्टर इज 1 kΩ, जनरली वो 1 kΩ का होता है, विच रिजल्ट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग टाइम कॉन्स्टेंट। मीन्स इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है वो जनरली बहुत लो होती है, और उसका रीजन है पुल अप रजिस्टर। आगे बात करते हैं, डायरेक्टली स्विच एक्सटर्नल सर्किटरी की। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनी ओपन कलेक्टर आउटपुट गेट्स इज दैट द आउटपुट वोल्टेज डजेंट नीड टू बी अ टीटीएल लेवल। एंड द फिगर ब्लो शोज अ 75452 ड्यूल पेरिफेरल ड्राइवर हैज अ टीटीएल एंड गेट एज इट्स इनपुट एंड अ 30 वोल्ट 300 mA ओपन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एज इट्स आउटपुट, एंड इट कैन बी यूज टू इंटरफेस अ बिट फ्रॉम अ कंप्यूटर्स पैरेलल पोर्ट टू अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेज। सो दिस इज जनरली द डायरेक्टली स्विच एक्सटर्नल सर्किटरी। वैसे ही एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी एक नॉलेज के लिए यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ। सो दिस इज द डायरेक्टली स्विच एक्सटर्नल सर्किट, जिसमें आप देख लीजिए कि जनरली एक्सटर्नल सर्किट्स के थ्रू किस तरीके से, पेरिफेरल ड्राइवर्स के थ्रू किस तरीके से कनेक्टेड है, वो आपको शो हो रहा है। आगे बात करते हैं कंपैरिजन की, टोटम पोल और ओपन कलेक्टर्स के आउटपुट्स की कंपैरिजन की। सो जनरली जो टोटम पोल का आउटपुट स्टेज है वो हमारे पास Q3, एक ट्रांजिस्टर है पुल अप ट्रांजिस्टर, एक डायोड रजिस्टर है और एक पुल डाउन ट्रांजिस्टर, तीनों कंटेन करके रखता है। जबकि ओपन कलेक्टर में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ Q4 यानी कि पुल डाउन ट्रांजिस्टर होता है। बाद में उसकी वो चीज़ें जो हमारे पास आउटपुट लो आता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एक पुल अप रजिस्टर लगाते हैं। यानी कि बेसिकली इसमें Q3 Q4 एक रजिस्टर दिखाई देता है, जबकि इसमें सिर्फ लास्ट स्टेज पे Q4 नज़र आ रहा होता है। हमारे पास टोटम पोल में पुल अप रजिस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि ओपन कलेक्टर में होती है। इसमें आउटपुट्स को एक साथ टाइट नहीं किया जा सकता, इसमें आसानी से वायर एंडिंग के थ्रू आउटपुट्स को टाइट किया जा सकता है। इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो बहुत हाई है, जबकि ओपन कलेक्टर की ऑपरेटिंग स्पीड लो होती है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन टोटम पोल एंड ओपन कलेक्टर आउटपुट। एंड द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ टोटम पोल कनेक्शन इज दैट इट ऑफर्स लो आउटपुट इम्पीडेंस इन बोथ द हाई एंड लो आउटपुट स्टेट। यानी कि इसका एक एडवांटेज है कि चाहे इसे हाई स्टेट का इनपुट दे दो या लो स्टेट का इनपुट दे दो, ये हमेशा हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, लो आउटपुट इम्पीडेंस का आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। डैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ टोटम पोल लॉजिक फैमिली। अब बात आती है ट्राई स्टेट लॉजिक आउटपुट। ट्राई स्टेट का मतलब क्या है, तीन स्टेट का लॉजिक आउटपुट। जनरली इसमें दो इनपुट्स होते हैं, दैट इज़ इनपुट एंड इनेबल। सो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट हो रहा है, देख लीजिए इन ट्राई स्टेट आउटपुट
इन ट्राई स्टेट जनरली जो आउटपुट होता है कम्बाइज द एडवांटेज ऑफ टोटम पोल एंड ओपन कलेक्टर सर्किट, मीन जो भी ओपन कलेक्टर सर्किट के एडवांटेज है वो और जो भी टोटम पोल के एडवांटेज है वो, उन सबको कम्बाइंड करके जो टेक्निक यूज़ की जाती है डेट इज़ ट्राई स्टेट एंड जनरली ट्राई स्टेट लॉजिक आउटपुट उन दोनों के कम्बाइंड एडवांटेज के थ्रू ही ऑब्टेंड होता है। इसमें जनरली थ्री आउटपुट स्टेट होती हैं, दैट इज़ हाई, लो एंड हाई इम्पिडेंस। जनरली हाई इम्पिडेंस को HIZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो ट्रुथ टेबल दिख रही है उसमें इन का मतलब एज अ इनपुट डेटा, EN का मतलब एडिशनल इनेबल इनपुट एंड आउटपुट दैट मीन्स आउट। इफ़ अगर हमारे पास इनेबल ज़ीरो है तो जो हमारे पास इनपुट की वैल्यू होगी उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, हाई इम्पिडेंस का। इफ़ अगर इनेबल वन है और इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। एंड इफ़ इनेबल वन है और इनपुट भी वन है तो आउटपुट हमारे पास क्या होगा, हाई होगा। सो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी आते हैं, दैट इज़ डेटा इनपुट इन कैन बी इन डेटा इनपुट दैट इज़ इन कैन बी इन्वर्टेड एंड कंट्रोल इनपुट मीन्स इनेबल कैन बी इन्वर्टेड बाय एडिशन ऑफ बबल्स टू अ सिग्नल। सो दीज आर द वेरिएशन पॉइंट्स। अब बात आती है हाई इम्पिडेंस आउटपुट की, यानी कि हाई जेड वैल्यू की। इन दिस बोथ द ट्रांजिस्टर आर टर्नड ऑफ इन द टोटम पोल अरेंजमेंट, दिस मीन्स दैट द लुकिंग बैक इन टू द सर्किट द आउटपुट अपीयर्स टू बी डिसकनेक्टेड, मीन्स ओपन सर्किट की तरह दिखाई देगा। सो दिस इज द हाई इम्पिडेंस आउटपुट सर्किटरी एंड जनरली इट यूटिलाइज द हाई स्पीड ऑपरेशन ऑफ टोटम पोल अरेंजमेंट वेन इनपुट इज इनेबल। सो दिस इज द सर्किट ऑफ हाई आउटपुट इम्पिडेंस, हाई इम्पिडेंस आउटपुट। आगे बात करते हैं यूज़ ऑफ ट्राई स्टेट वफर्स की। सो ट्राई स्टेट वफर्स आर यूज वेन मल्टीपल सर्किट्स ऑल कनेक्ट टू अ कॉमन वायर, मीन जब बहुत सारे सर्किट एक कॉमन वायर से कनेक्टेड हों तो हम ट्राई स्टेट वफर का यूज़ करते हैं। ओनली वन सर्किट इज टाइम एट ए टाइम इज़ अलाउड टू ड्राइव द बस, मीन्स जनरली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जब हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल सर्किट्स हैं और वो एक ही वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं तो हम ट्राई स्टेट वफर का यूज़ करते हैं। लेकिन ट्राई स्टेट वफर क्या करता है, एक टाइम पे एक ही जो भी हमारे पास सर्किट होगा उसको एक टाइम पर एक ही सर्किट को वो अलाउ करता है परफॉर्म करने के लिए और बाकी सारे क्या करते हैं, डिसकनेक्शन की तरह काम करते हैं, यानी डिसकनेक्ट होकर काम करते हैं। थैंक यू। आगे की लॉजिक फैमिलीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।